मिसेस कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस में देख रहे होंगे कि मैं आप सभी के लिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टॉपिक्स लाती हूँ, जिनकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को आसान तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लाई हूँ। तो टॉपिक का नाम है ब्लैंक अबाउट। देखिए, ब्लैंक अबाउट का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी हमें बोलना हो कि मुझे ये काम नहीं आता या मैं इस काम में कमजोर हूं, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रेंड्स ब्लैंक अबाउट का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि मुझे बोलना हो कि मैं मल्टीमीडिया फोन चलाने में बहुत ही कमजोर हूं, मतलब मुझसे मल्टीमीडिया फोन चलाना नहीं आता, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आई एम ब्लैंक अबाउट एक्शन प्लस आई एन जी। आई एम ब्लैंक अबाउट एक्शन प्लस आई एन जी या फिर नो एक्शन। जहां पर कोई भी एक्शन नहीं होगा तो वहां पर हम नो एक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं मल्टीमीडिया फोन चलाने में कमजोर हूं, मींस मुझे मल्टीमीडिया फोन चलाना नहीं आता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ब्लैंक अबाउट ऑपरेटिंग मल्टीमीडिया फोन। मैं पढ़ाने में कमजोर हूं। I am blank about teaching. मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो I am blank about making food. मुझे और क्या नहीं आता है? मुझे पोछा लगाना नहीं आता है, तो I am blank about mopping the floor. मुझे बुनना, जो आप लोग बुनते हैं ना, उनसे जो बुना जाता है, मुझे बुनना नहीं आता है, तो हाउ टू से I am blank about knitting. अब यदि फ्रेंड्स हमें बोलना हो नो एक्शन में कि मैं इस चीज में कमजोर हूं, तो हम कैसे बोलेंगे? वहां हम एक्शन प्लस आई एन जी का नहीं बल्कि नो एक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए, यदि मुझे बोलना हो कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो I am blank about at maths. मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, आई एम ब्लैंक अबाउट एट इंग्लिश। मैं साइंस में कमजोर हूं, आई एम ब्लैंक अबाउट एट साइंस। इस तरह से आप ब्लैंक अबाउट का यूज करेंगे। यदि हमें किसी और के लिए बोलना हो, थर्ड पर्सन के लिए बोलना हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड? ही, शी या किसी का नेम। तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि हमें बोलना हो कि वह मैथ्स में कमजोर है या फिर वह डांस करने, उसको डांस नहीं आता है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे थर्ड पर्सन के लिए? तो ही इज ब्लैंक अबाउट डांसिंग। वह डांस करने में कमजोर है या उसे डांस करना नहीं आता है, तो ही इज ब्लैंक अबाउट डांसिंग। और उसे क्या नहीं आता है? उसे कार चलानी नहीं आती है, तो ही इज ब्लैंक अबाउट ड्राइविंग। उसे खाना बनाना नहीं आता है, तो she is blank about making food. और यदि उसे पढ़ाना नहीं आता है तो कैसे बोलेंगे? या मेरी मदर को खाना बनाना नहीं आता है, तो my mother is blank about making food. यदि मुझे बोलना हो मेरी सिस्टर को प्रेस करना नहीं आता है, तो my sister is blank about ironing the clothes. यदि हमें बोलना हो कि उसको उसको क्या नहीं आते हैं, उसको कपड़े धोने नहीं आते हैं, तो she is blank about washing the clothes. तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सेंटेंसेस ब्लैंक अबाउट की हेल्प से बना सकते हैं। तो ब्लैंक अबाउट का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी हमें ये बोलना हो कि मुझे ये काम करना नहीं आता है या ये काम करना उसको नहीं आता है, तो हम वहां पर यूज करते हैं फ्रेंड्स ब्लैंक अबाउट का। तो एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ब्लैंक अबाउट। यदि आप इसे यूज करेंगे तो आप अपने इंग्लिश में देखेंगे कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो फ्रेंड, इस तरह से जब भी आप हिंदी में जब भी सेंटेंस को यूज करते हैं, सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जब भी आप हिंदी में बोलते हैं कि मुझे ये काम करना नहीं आता है या उसे ये काम करना नहीं आता है, तो वहां पर आप इंस्टेड ऑफ हिंदी यू कैन यूज ऑफ क्या? ब्लैंक अबाउट। तो वहां पर आप ब्लैंक अबाउट का यूज कर सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ब्लैंक अबाउट की हेल्प से।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और फ्रेंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज पुट कमेंट ऑन वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.